कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल और कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी उपचुनावों के लिए पूरी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और अर्की विधानसभा क्षेत्र में अवश्य चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पार्टी उपचुनावों के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल एवं कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। नंदलाल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं जिला सोलन के अर्की में चुनावों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ही टिकट तय करेगी, लेकिन उनकी अर्की सहित अन्य स्थानों पर तैयारियां मुकम्मल है। यहां तक बात है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे जो संगठनात्मक जो संगठन की जो उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात है वो चल रही है और इन द मीन टाइम सर्वे हो रहे हैं। जो हमारा अवेलेबिलिटी जिस कैंडिडेट की होगी उसको हाईकमान से टिकट मिलेगा और हम लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। पर जो नर्सेज और जो क्लास फोर पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली। शर्म की बात है। सरकार को चाहिए कि उनकी सैलरी को दो। वो तो फर्स्ट फाउंडर आगे लड़े फोर रनर है, उनके फ्रंट रनर को उनको तो बाकी फैसिलिटी तो छोड़िए उनकी सैलरी तो मिलनी चाहिए। बड़े दुख खेद से कहना पड़ रहा है कि उनको सैलरी ना मिलने की वजह से वो यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सरकार की है, सरकार की नाकामियाँ भी है। जो इसको आपको नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी सरकार जो आपको पे देगी ना, तनख्वाह देगी। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। 15 अगस्त भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा पावन पर्व है। इस पावन पर्व की मैं पूरे मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से सभी भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि हमारा ये भारतवर्ष एक ऐसे मुकाम पे हम सब मिलकर पहुंचाएं कि जिससे पूरा विश्व हमारे भारत को एक बड़े सम्मान के साथ देखें। तो मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। जय हिंद।